हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करना समझ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन लिया है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक, दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हमारा दूसरा समीकरण है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि कहने का मतलब क्या है, प्रतिस्थापन यानी मतलब आपको किसी एक यहाँ पे वेरिएबल का मान निकाल करके, अगर आप पहले समीकरण को लेके चल रहे हैं तो इसमें से आपको x का अगर मान निकाल रहे हैं तो x का मान निकाल करके आपको दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करना यानी रखना है x के जगह पे। अगर आप दूसरे समीकरण को लेकर चल रहे हैं तो आप x का या फिर y का मान निकाल करके, अगर y का मान निकाल रहे हैं तो y वाले में पहले समीकरण में y के जगह पर y का मान रखना है। ठीक, वही प्रतिस्थापित करना है, वही प्रतिस्थापन विधि होता है। देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले समीकरण को लेके चल रहे हैं, किसी को भी ले सकते हैं। समझने के लिए अच्छे तरीके से समझिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग समझ जाइएगा समीकरण एक से, क्योंकि हम समीकरण एक को लेके चल रहे हैं फिलहाल। समीकरण एक हमारा क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। यहां से हम x का ही वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू निकालिए तो 3x को अपने जगह पर इधर रखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इस 4y को हम उधर भेज रहे हैं। x से वैल्यू निकालने के लिए x को तो अकेला रखना होगा, तो 10 तो अपने जगह पे है, 4y प्लस में है, बराबर के इधर जैसे ही आएगा ये हो जाएगा माइनस में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को अकेला रखेंगे तो 3 इस तो गुना में लगा हुआ है तो इधर हम भाग में ले आएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे गुना में लगा हुआ रहता है और बराबर के उधर जैसे ही जाता है तो भाग में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 10 माइनस 4y इक्वल टू बटे 3। ठीक, यहां से हमारा ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब यहीं से x का मान जो आया है 10 माइनस 4y बटे 3, तो इसी x के वैल्यू जो है हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखिए कैसे, समीकरण हमारा 2 क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। यहीं पे x का मान रखना है, x के जगह पे हमें इस पूरे वैल्यू को रख देना है। तो लिखिए 2 इंटू x का वैल्यू है 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां से सॉल्व करने से क्या होगा हमारा, कि सिर्फ इस कंडीशन में y का वैल्यू है तो y का वैल्यू यहां से हमें पता चल जाएगा, y का मान पता चल जाएगा। ठीक, सॉल्व कीजिए, 2 में 10 से करेंगे 10 दुना 20 माइनस 2 में 4y से करेंगे तो 4 दुना 8y बटे में 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक, फिर आगे सॉल्व कीजिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 एक बार में कटेगा तो ऊपर में एक बार में गुना हो जाएगा तो बिल्कुल वही आ जाएगा, 20 माइनस 8y। ठीक, और 3 में 2 से गुना हो जाएगा तो 3 दुना 6y इक्वल टू 2। आई होप आपको समझ में ये आ रहा होगा। अब इस वाले को हम क्या करेंगे, ये भाग में है तो बराबर के उधर जैसे आ जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। ऊपर वाला है 20 माइनस, देखिए 8y माइनस में और 6y भी माइनस में है, दोनों एक सेम कंडीशन में है, मतलब सेम टाइप का है तो ये जुड़ जाएगा आपस में। तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस 8y माइनस 6y मिलकर हो जाएगा माइनस 14y इक्वल टू 3, उधर गुना में चला जाएगा तो 3 गुना हो जाएगा 6। इसको सॉल्व कीजिए, जो जिस कैटेगरी का है उसको उसके साथ रखेंगे, तो 20y वाला नंबर वाला है, नंबर वाले कैटेगरी है तो इसको इसके साथ रखेंगे, माइनस 14y तो इधर ही है, 6 अपने जगह पे है, 20 प्लस को उधर भेज रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा 20, क्योंकि प्लस में था बराबर को उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 14y इक्वल टू 6 में से 14 जाएगा यानी कम में से ज्यादा घट रहा है तो माइनस में क्या बचेगा, 14 बचेगा। तो दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि माइनस है तो यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ अगर इक्वल के दोनों तरफ माइनस रहे तो माइनस से माइनस ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। अब देखिए वाई इक्वल टू वाई को वैल्यू अकेला रखने, वाई का मान अकेला रखने के लिए वाई को हम क्या, वाई को अकेला रखेंगे मान निकालने के लिए, y का वैल्यू निकालने के लिए y को अकेला रखना पड़ेगा तो y गुना में लगा हुआ है इसके 14y के, तो बराबर हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा 14 बटे 14 यानी कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो y का वैल्यू यहां से फाइनली हमारा पता चल गया 1 यानी 1 आया है। अब हम इसी y की वैल्यू की मदद से आप समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में किसी में भी रखेंगे तो आपका जो है वहां से x का मान निकल जाएगा। तो चलिए यहीं से हम निकालते हैं, समीकरण 1 के में रखते हैं, किसी में भी रखिए, समीकरण 1 में
वाई का मान रखने पर, समीकरण एक है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, 3x प्लस 4 y के जगह पर y का वैल्यू आया है 1, तो 1 रखेंगे इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 में x को गुना होगा तो 4 इक्वल टू 10, 3x 4 को उधर भेज देंगे तो 10 और माइनस में हो जाएगा 4, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6, तो यहां से x का वैल्यू पता चल जाएगा, x इक्वल टू 6 बटे 3 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, यानी फाइनली जो है हमारा x इक्वल टू आ गया 2 और y इक्वल टू आ गया 1। तो इस प्रतिस्थापन विधि की मदद से हमने x और y का वैल्यू यहां से पता कर लिया है। तो इसी तरीके से जो है हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।